यस स्टूडेंट्स, आफ्टर 1794 राइन ऑफ टेरर फ्रांस में जो रूल था ये चेंज हुआ, क्योंकि अब लोगों को ना ही मोनार्की, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ना ही रिपब्लिक गवर्नमेंट पे ट्रस्ट रहा, ठीक है। नाउ पीपल वांटेड दैट पावर शुड बी डिवाइडेड, एंड इसके बाद फ्रांस में यानी कि मैक्सिमल रॉबेस्पियर को गिलोटिन देने के बाद 1794 में फ्रांस में एक नया रूल एस्टेब्लिश हुआ, जिसको कहा गया डायरेक्टरी रूल। क्यों इसको डायरेक्टरी रूल कहते थे? क्योंकि इसमें क्या होता था, 5 डायरेक्टर्स, और ये 5 डायरेक्टर्स जो थे इनके अंडर इलेक्टेड काउंसिल्स होती थी 2। जैसे आपको पता है इंडिया में लोकसभा, सपोज अगर इंडिया में होता तो इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन हमारी कंट्री में एक प्रेसिडेंट है। फ्रांस में क्या हुआ 1794 के बाद डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ, 5 डायरेक्टर्स। 5 डायरेक्टर्स का मतलब सोचो 5 प्रेसिडेंट और उनके अंडर 2 काउंसिल्स। तो जब किसी कंट्री में एक की जगह 5 या मतलब एक रूलर की जगह 5 रूलर हो जाएंगे, नो डाउट दीज वर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। बट स्टिल एट दैट टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, डिस्प्यूट्स, क्लैशेस अमंग डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स जो हैं प्रपोजल जब भी पास करते हैं, प्रपोजल अगर 3:2 होगा तो ही कोई ना कोई लॉ पास होगा, 3:2 होगा, लेकिन हर एक का अगर अपना ही व्यू पॉइंट होगा, और अगर मेजोरिटी नहीं होगी तो कंट्री में लॉ ही नहीं पास होगा, ठीक है। और इसलिए 5 डायरेक्टर्स का जो रूल था ये भी बहुत ज्यादा देर तक फ्रांस में कंटिन्यू नहीं रहा, और धीरे धीरे फ्रांस की जो कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो वीक होती गई। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्रांस में जो आर्मी के मिलिट्री कमांडर कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस वीक कंडीशन ऑफ डायरेक्टरी रूल। और उससे पहले नेपोलियन जो मैक्सिमम रॉबेस्पियर के रूल से तो वैसे ही लोग फेड अप हो चुके थे, एंड एट दैट टाइम विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, क्योंकि उस टाइम पे मिलिट्री जो थी वो डायरेक्टर्स की नहीं बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट के ऑर्डर को ज्यादा फॉलो करते थे, सो उसने इस चीज का एडवांटेज लिया, एंड 1804 ही क्राउंड हिमसेल्फ एज डिक्टेटर ऑफ एम्परर ऑफ फ्रांस 1804। और नेपोलियन बोनापार्ट जब 1804 में फ्रांस के एम्परर बने, मिलिट्री डिक्टेटर, यानी कि उन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया और डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश की, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी रिफॉर्म्स किए और कुछ नेगेटिव भी किए। पॉजिटिव जो है उसको हम कहते हैं सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब होता है सिटीजन्स के लिए उसने क्या किया, इसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। सपोज अगर आता है आपको सिविल कोड, अच्छा ये सिविल कोड ना आपने हर चैप्टर में कितनी बार सुना है और इसका अलग अलग मीनिंग है। अब याद करो ये सिविल कोड, मैंने आपको कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय सिविल कोड, तो ये सिविल कोड जो है ये आपने जर्मनी में भी सुना है, और ये सिविल वो सिविल नहीं है, वो क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, याद रखना। मैं इसलिए कह रही हूँ कई बच्चे ना गलत क्वेश्चन आंसर दे देते हैं। सिविल मतलब ये जब सिविल कोड आएगा ना इसका मतलब है ये आपका नेपोलियन जो है उसका क्वेश्चन। अगर आपको जर्मनी का आता ना कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वुमेन, वो सिविल नहीं है, वो सिर्फ वुमेन के लिए है, तो जर्मनी का है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वुमेन, जो वुमेन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था कि वो नाजी वैल्यूज जो हैं उनको इनकलकेट करेंगी, एंड दे विल नॉट कीप एनी काइंड ऑफ रिलेशंस विद द ज्यूइश, वो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट था, क्लियर। एक और सिविल कोड जो है एक और कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये आप इलेक्शंस जब इलेक्शंस में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, ये हम तब पढ़ेंगे इलेक्शंस में, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको दो इसलिए डिफरेंस बता रही हूँ। यहाँ सिविल वर्ड आएगा ना, सिविल का मतलब होता है सिटीजन्स, सिटीजन्स मतलब दोनों के लिए मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है ओनली फॉर वुमेन, जो जर्मनी में वुमेन के लिए बनाया गया, तो याद रखें। अब सिविल कोड नेपोलियन कोड क्या था 1804 में, नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए वो हमने बताने, रिफॉर्म्स से वैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता क्योंकि आपने एमसीक्यू इसके लिए लर्न करना है तो आपको पता होना चाहिए,
कि सिविल कोड में नंबर वन फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश, नंबर टू ही गेव राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट दिया, ही इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ताकि हर एरिया में लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम ना आए, ही ऑल्सो इंप्रूव करेंसी सिस्टम, ही ऑल्सो इंप्रूव वेटिंग एंड मेजर, चीजों को वेट करने का जो स्केल होता है उसको इंप्रूव किया, ही ऑल्सो स्टार्टेड डेसिमल सिस्टम इन द काउंटिंग, ठीक है, और ये तो था उसका पॉजिटिव, उसने कई ड्यूज जो है वो खत्म कर दिए। नाउ विद द कमिंग ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, फार्मर्स बिजनेसमैन एंड ऑल द पीपल दे वर वेरी हैप्पी इन द इनिशियल ईयर्स, बट उसका जो माइंड था वो एक सोल्जर का माइंड था, इंपीरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द टेरिटरीज, ही वॉन्टेड टू अटैक अदर कंट्रीज, एंड फॉर दैट 1804 से लेकर नेपोलियन बोनापार्ट ने पता नहीं कितनी जो है लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या था, जैसे सिकंदर अलेक्जेंडर कहते हैं ना वर्ल्ड कंकरर बनना चाहता था, तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बिकम वर्ल्ड कंकरर एंड एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज, और उसके टाइम पीरियड में फ्रेंच आर्मीज जो है फ्रांस से कितनी ही कंट्रीज में गई, वो मैं आपको नोट करवाती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज में अटैक किया उन्होंने, अंडर किया अपने कंट्रोल में, और जिनको अपने अंडर किया, जिनको अपनी कॉलोनीज बनाया, ठीक है, वहां पर भी उसने सेम सिविल कोड जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, बट इन द एंड कब हुआ, बैटल ऑफ वॉटरलू, और इस बैटल में फोर मेन कंट्रीज ब्रिटेन रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने ग्रुप बनाया नेपोलियन के अगेंस्ट, क्योंकि अगर ये ग्रुप में ना लड़ती तो नेपोलियन को कभी भी हरा नहीं सकते थे ना, तो इन कंट्रीज ने 1815 में मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और नेपोलियन बोनापार्ट को एक लोनली आइलैंड में भेज दिया सेंट हेलिना, एंड 1821 यानी कि आप सोचो 1804 से लेकर 1815 उसकी सारी लाइफ वो लड़ते रहा, 1815 से लेकर 21 तक वो आइलैंड पे अकेला रहा, तो उसकी लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा जो है एंड का टाइम उसका कितना जो है वो स्केयरी होगा कि उसको अकेले जो है काइंड ऑफ एक कैप्चर किया गया, डिटेन किया गया जहां पे वो किसी को भी मिल नहीं सकता, ठीक है, एंड इसके बाद फ्रांस जो था, फ्रांस वॉज कंट्रोल्ड बाय दीज कंट्रीज, ये इसके बाद हम 10th में पढ़ते, जब हम 10th में पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, वहां पे भी चैप्टर है, तब हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट हो, व्हाट हैपेंड विद द फ्रांस आफ्टर बैटल ऑफ वॉटरलू, क्लास 10th में ये चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट हो, क्योंकि हमने हाफ हिस्ट्री 9th में पढ़ी है और हाफ हिस्ट्री कब पढ़ेंगे 10th में, कि बैटलू के बाद फिर ब्रिटेन रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को कैसे पूरे मैप को डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न सदर्न कैसे अलग अलग एरियाज को अपने अंडर कर लिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने जो एफर्ट्स किए अपनी कंट्री के लिए ऑल इन वेन, और फ्रांस में फिर से क्या आ गया मोनार्की सिस्टम, ब्रिटेन रशिया प्रशिया ऑस्ट्रिया ने फिर से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम लगा दिया, एंड फाइनली जाकर 1848 में फिर जाकर मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ, क्लियर, तो ये मैंने जस्ट आपको 10th का थोड़ा सा वैसे बताया कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक हमारा चैप्टर है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ दिस चैप्टर, हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम आती है डेट्स लर्न करने में, तो स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट साइड बाय साइड, इट विल हेल्प यू फॉर योर कंसेप्ट मैप, 1 mark एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्लियर, नंबर 1, जैसे मैं डेट बोलती हूँ ना आपको इवेंट आपके माइंड में इमीडिएटली इवेंट जो है वो आनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये तो, 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर मैं ये पूछूं कि बेटा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, 14 जुलाई 1789, व्हेन बेस्टाइल वॉज फ्रॉम 14 जुलाई 1789, बेस्टाइल को कब डिमोलिश किया गया, लोगों ने कब उसको पूरा खत्म कर दिया, 14 जुलाई 1789, ठीक है, हाँ जी, अब जैसे से आपका चैप्टर है अकॉर्डिंग टू दैट आई विल स्टार्ट मेकिंग, नेक्स्ट इज 1774, बाय दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेंच हिस्ट्री बिकॉज लुइस 16
ascended the throne means he became the king. Louis 16th ascended the throne means became the king of France. हाँ जी, next. अब लुई 16 के किंग बनने के बाद, ठीक है, धीरे धीरे टाइम पीरियड जैसे 74 के बाद, अब मेन ईयर 1789, ठीक है. अब 1789 क्यों माना जाता है? क्योंकि इस ईयर में लुई 16 ने क्या किया, ही डिसाइडेड टू कॉल मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी. तो ईयर हमें याद है लेकिन डेट हमने साथ में ऐड करनी है, 5 मई 1789. 5 मई 1789 मीटिंग बुलाई थी, जिस मीटिंग का मेन, क्योंकि अब हमने ये पढ़ना है कि रेवोल्यूशन के पीछे के रीजंस क्या थे. तो हमारा जो है वो मंथ पीछे चल रहा है, मई से जून, जून से जुलाई. तो हमने 3 मंथ्स की डेट्स को हमने लर्न करना. 5 मई 1789 किंग कॉल द मीटिंग ऑफ ए स्टेट जर्नल. लेकिन इस मीटिंग में जो प्रपोजल था वो पास नहीं हो पाया एंड पीपल दे वॉक आउट. और बाहर आकर उन्होंने क्या किया, दे डिक्लेयर देमसेल्व एज नेशनल असेंबली. और इस नेशनल असेंबली में ऑथ कब ली थी, 20 जून 1789, जिसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट ऑथ, कि हम कब तक यहां से नहीं हिलेंगे जब तक अपनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते. आप ऐसे याद करो, दिल्ली में फार्मर्स अभी भी हैं वहां पे, और जितने भी आप देखो टोल टैक्स जहाँ पे भी है वहां पे भी फार्मर्स हैं. टोल टैक्स आप नहीं देते हो क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिलैक्स कर दिया गया है, और दिल्ली के बॉर्डर में अभी भी वहां पे हैं. मींस उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारी फेवर में बिल पास नहीं होगा हम वहां से नहीं जाएंगे. तो इसी तरह से नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने भी 20 जून को ऑथ ली कि दे विल नॉट डिस्पर्स टिल दे विल प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. लेकिन अभी तक किंग ने उनको लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी. मंथ कौन सा है, 20 जून 1789, और 20 जून के बाद डिमोलिश कब हुआ, जुलाई. तो आप ये देखो कि 20 जून के बाद 14 जुलाई, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्रांस में दोनों ही, चाहे विलेज चाहे सिटीज, हर तरफ लोग जो थे वो इकट्ठे होकर लुई 16 के अगेंस्ट ग्रुप बना रहे. और डेट वॉज डिसाइडेड 14 जुलाई 1789 टू डिमोलिश पैलेस ऑफ बेस्टाइल, क्योंकि उस पैलेस में बहुत से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, वहां पे रखा जा रहा था, और लोगों के अगेंस्ट जो आर्म्स एंड एमिनेशन, गन पाउडर मटेरियल जो यूज किया जा रहा था, दैट वाज आल्सो स्टोर्ड इन द पैलेस ऑफ बेस्टाइल. दैट्स व्हाई पीपल ऑफ फ्रांस दे हेटेड, उनको लग रहा था कि यहाँ पे जो भी सामान है वो उनके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है. तो किंग की पावर को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए दे अटैक पैलेस. हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ था कि लोगों ने अपने ही किंग के अगेंस्ट जाकर अपने पैलेस को डिमोलिश कर दिया, ठीक है. और इंपॉर्टेंट डेट 14 जुलाई 1789, बेस्टाइल वॉज स्टॉर्म. अब 14 जुलाई के बाद का टाइम पीरियड, अगस्त का टाइम पीरियड, जब किंग ने क्या किया, उसको ये डर था कि एक पैलेस तो डिमोलिश हो चुका है, कहीं दूसरे पैलेस वर्साय या टुलेरिस वहां पे अटैक ना हो. तो किंग ने क्या किया, नेशनल असेंबली को क्या दे दिया, लीगल रिकॉग्निशन, लीगल असेंबली बना दिया, लीगल पार्लियामेंट बना दिया फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है. और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने, जिस नेशनल असेंबली को किंग ने लीगल रिकॉग्निशन दी थी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डेक्री. डेक्री मींस ऑर्डर पास किया टू अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम. क्या क्या अबॉलिश कर दिया, यानी कि 4 अगस्त 1789 में फ्रांस के लोग कितने ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि एस्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, एस्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया गया, टाइड टाइल जो टैक्स थे उनको खत्म कर दिया 4 अगस्त, एंड चर्चेज प्रिविलेजेस जो दिए गए थे, स्पेशल राइट्स दिए गए थे वो उनसे ले लिए गए, और चर्चेस की प्रॉपर्टी जो थी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 4 अगस्त के बाद द पीपल ऑफ थॉट एस्टेट दे फेल्ट वेरी मच रिलैक्स्ड, ठीक है. 4 अगस्त 1789 ये चेंजेस आए. हाँ जी,
क्योंकि अब नए टैक्स बनने थे ना, और इन द मीन टाइम नेशनल असेंबली वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1791. इट टुक टू इयर्स, 89 to 90, 90 to 91. और इन टू इयर्स में काफी कुछ चेंजेस आए और पीपल दे वर वेरी हैप्पी. एक चेंज क्या आया था? सेंसरशिप. सेंसरशिप को हटा दिया गया. नाउ पीपल दे वर वेरी यू कैन से हैप्पी, दे कैन राइट, दे कैन कंपोज पोएम्स. इवन हम ये कह सकते कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला, प्लेज स्टोरीज लिखी गई. तो काफी हद तक 1789 के बाद चेंजेस आए कंट्री. तो वो जो टू इयर्स थे, दीज टू इयर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल. लेकिन इसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जब आया ना, सम पीपल वर नॉट हैप्पी. व्हाई? बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द सिटीजंस इनटू एक्टिव एंड पैसिव सिटीजंस. एक्टिव सिटीजंस की एज 25 एंड अबव जो टैक्स पे करते थे, एंड पैसिव सिटीजंस 25 से कम, विमेन एंड चिल्ड्रन जो टैक्स नहीं पे करते. तो अल्टीमेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको फेवर करता होगा? रिच पीपल को. ठीक है. अब इसके बाद 1791 के बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वॉरियर्स लर्न करना है अपने. वॉरियर्स कौन से थे? 1792 किंग वॉज नॉट हैप्पी विद द डिविजन ऑफ पावर्स. किंग को लग रहा था कि उसने पावर्स को डिवाइड करके बहुत बड़ी गलती की है. तो उसने क्या किया? दो कंट्रीज प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर अपनी ही कंट्री में क्या प्लान किया? सीक्रेट अटैक. और जब फ्रांस के लोगों को इसके बारे में पता लगा, तो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी, स्टार्टिंग में जो नई असेंबली बनी, उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 745. इन मेंबर्स को किन्होंने इलेक्ट किया था? इलेक्टर्स को किन्होंने इलेक्ट किया था? एक्टिव सिटीजंस. अब एक्टिव सिटीजंस भी किंग के अगेंस्ट थे, इलेक्टर्स भी किंग के अगेंस्ट थे, बिकॉज उनको लग रहा था कि किंग अपनी ही कंट्री पे सीक्रेट अटैक प्लान कर रहा है. एंड इवन 745 मेंबर्स जो थे, उनमें से भी बहुत से मेंबर्स किंग के अगेंस्ट. असेंबली में वोटिंग करवाई गई और उस वोटिंग में प्रपोजल पास किया गया टू अटैक ऑन, यस, टू अटैक ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. कौन से ईयर में? 1792 में हुआ था और वोटिंग भी 1792 में हुई. ठीक है. एंड विद दिस वॉर स्टार्टेड. 1792 में वॉर स्टार्ट हुई एंड मैनी पीपल फ्रॉम फ्रांस दे पार्टिसिपेटेड इन द वॉर एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म केम इनटू देयर माइंड. अब उनको मोनार्की के भी अगेंस्ट थे, दूसरी तरफ प्रशिया ऑस्ट्रिया के भी अगेंस्ट थे और अपनी कंट्री से मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक क्लब बहुत फेमस हुआ, क्या कहते हैं उसको? जैकोबिन क्लब. फिर उसका टाइम पीरियड अब अपने याद रखना कि जैकोबिन क्लब में जो रूलर मेन उनका लीडर था, उसका नाम था मैक्समेर रॉबेस्पियर. मैक्समेर रॉबेस्पियर ने मिलकर जैकोबिन के साथ प्लान जो है बनाया पैलेस ऑफ टुलेरिस को अटैक करने का. ठीक है, पैलेस को अटैक किया गया. एंड द इम्पोर्टेंट डेट, राइट डाउन द डेट. हाँ जी, 21 September 1792, he abolished monarchy and France became republic. 21 September 1792. क्यों इंपॉर्टेंट डेट है ये? क्योंकि इस डेट को रॉबेस्पियर ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को एबॉलिश करके कंट्री में कौन सा सिस्टम सेटअप किया? रिपब्लिक. 21 September 1792. ठीक है. इसके बाद किंग और क्वीन को अरेस्ट कर लिया गया था, उनके अगेंस्ट पूरा 1 ईयर कोर्ट केस चला. एक साल आगे कर दो, 1 January 1793 किंग वॉज एग्जीक्यूटेड. तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट किंग वॉज एग्जीक्यूटेड? 21 January 1793. एंड पेरिस में इस जगह का नाम क्या है? डी लॉ कॉनकॉर्ड.
प्लेस वेयर ही वॉज एग्जीक्यूटेड डी नॉ कॉनकॉर्ड इन पेरिस, पेरिस इन फ्रांस, ठीक है, 21 जनवरी 1793। उसके बाद यही ईयर जो है इसको कहते हैं राइन ऑफ, सॉरी '93 to '94, ठीक है, इसको कहते हैं राइन ऑफ टेरर। क्यों कहते हैं राइन ऑफ टेरर? बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वन ईयर ही इंप्लीमेंटेड हिज पॉलिसीज सो हार्शली, 1793 to 1794, क्लियर। इसके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है ईयर आपने बताना, राइन ऑफ टेरर। And in which year Robespierre was guillotined? 1794, ठीक है, और डेट मैंने लिखवाई थी, आई थिंक 28 जुलाई है ना, 28 जुलाई 1794 ही वॉज guillotined, Robespierre वॉज guillotined, क्लियर। देन इसके बाद कंट्री में है डायरेक्टरी रूल, तो इन बिटवीन कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। और इसके बाद फिर आपने कौन सी डेट याद रखनी है, 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ही क्राउंड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस या मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ फ्रांस। उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू 1804, नेपोलियन सिविल कोड उसने इंप्लीमेंट किया एंड ही बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस, डिक्लेयर्ड डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट लेकर आया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट लेकर आया। देन 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, और इसके अलावा अब हम अलग अलग डेट्स जो है वो लिखेंगे। राइट टू वोट टू वुमेन, वोट फॉर वुमेन कब मिला, 1946, याद करो, जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, जस्ट बिफोर वन ईयर, जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली उससे एक साल पहले 1940 फाइनली जाकर फ्रांस की वुमेन को राइट टू वोट मिला 1946। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। अच्छा, स्लेवरी सिस्टम, अब स्लेवरी सिस्टम के लिए भी दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आपको ये आता कि व्हेन स्लेवरी वाज एबॉलिश, किसने सबसे पहले इसको एबॉलिश किया, तो आपने बताना है रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश किया था, और उसके अंडर पार्लियामेंट का नाम क्या था, उसकी पार्लियामेंट का नाम क्या था, कन्वेंशन। कौन सा ईयर, 1794, जो उसका राइन ऑफ टेरर था, 1794 ही एबॉलिश स्लेवरी सिस्टम। लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में जब उसको गिलोटिन कर दिया, स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे अगर मैं ये पूछूं कि हु रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम इन फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। एंड फाइनली जाकर स्लेवरी सिस्टम हमेशा के लिए कब खत्म हुआ, 1848 फाइनली स्लेवरी सिस्टम वॉज एबॉलिश। ओके, व्हेन सेंसरशिप वॉज एबॉलिश इन फ्रांस, सेंसरशिप कब खत्म की थी फ्रांस में, 1789, जब 4 अगस्त को डेक्री पास की थी। व्हेन सेंसरशिप वॉज एबॉलिश इन फ्रांस 1789, 4 अगस्त 1789, लेकिन जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आई उसने सेंसरशिप को फिर से इंट्रोड्यूस किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी सेंसरशिप लगा दी, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोगों के राइट्स जो हैं उनको नहीं मिले, एंड फाइनली लोगों की सेंसरशिप की जो राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो थी, ओनली फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन, इट वॉज गिवन इन 1848, ठीक है।
अच्छा एंड में ना आपकी बुक में सबसे लास्ट में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, हमारी कंट्री के इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर जिनके ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन का उस टाइम पर में बहुत इम्पैक्ट था, और उन्होंने इस रेवोल्यूशन को पढ़ के अपनी कंट्री में काफी रिफॉर्म्स किए, उनका नाम क्या था, राजा राम मोहन रॉय। तो आपकी बुक में एंड में एक छोटा सा जो है वो ब्लॉक है, इसको पढ़ लेना, ब्लॉक में लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय की जो है कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ा और अपनी कंट्री में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की, टीपू सुल्तान। हाँ जी, क्योंकि ये वही टाइम है उस टाइम पीरियड में, आपको पता टीपू सुल्तान की डेथ कौन से ईयर में हुई थी, 1799। तो जिस अब ये सोचो कि जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में राजा राम मोहन राय टीपू सुल्तान थे, उस टाइम पीरियड में फ्रांस में रॉबेस्पियर के बाद डायरेक्टरी रूल होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज का इनके माइंड, टीपू सुल्तान के माइंड में भी बहुत डीप इम्पैक्ट था, एंड दैट्स व्हाई ही स्ट्रगल ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, 1848 में फाइनली फ्रांस में हमेशा के लिए मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ। एनी डाउट बेटा? हाँ जी बेटा, ओके वेट, 10th अगस्त 1790